हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और निशाज कुजीन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं स्नैक्स टाइम रेसिपी में लेफ्ट ओवर चपाती की सैंडविच। चपाती सैंडविच बनाने में मुझे बहुत से बहुत 5 से 7 मिनट लगता है, तो आपको भी उतना ही लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे चपाती का यूज़ है रीयूज़ बहुत अच्छे तरीके से, वो भी मैं हेल्दी रेसिपी जो कि बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद से खाएंगे। और इस गर्मी और लॉकडाउन में हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि हमें बच्चों को रेसिपी में क्या दूं, कैसे दूं हेल्दी, हमारे रोटी का भी यूज़ और एक हेल्दी आइटम भी बन जाए। तो फिर क्या कहते हो, बनाओगे ना और हमारे रेसिपी को लाइक भी करोगे? प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल आप लोगों तक, आप जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी, यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ फॉरवर्ड करें, क्योंकि मैं बहुत इजी और क्विक रेसिपी लेकर आ रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम किचन में नहीं बिताना पड़े। और इस लॉकडाउन में हमें कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ अच्छा से अच्छा हेल्दी फूड मिल सके। तो चलिए चलते हैं चपाती सैंडविच बनाने के लिए किचन की ओर। फ्रेंड्स, स्नैक्स टाइम रेसिपी में मैं आज लेके आई हूँ लेफ्ट ओवर चपाती सैंडविच। लेफ्ट ओवर चपाती सैंडविच के लिए मैंने, ये मेरे पास सुबह की बची हुई 4 चपाती है। हमने अनियन को कट कर लिया है, पोटैटो, टोमेटो और ये कुकुम्बर सबको कट कर लिया है। साथ में मैंने थोड़े से मोज़रेला चीज़ भी लिए हैं जो कि ग्रेटेड कर रखी हूँ मैं। मेरे पास ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी, और मेरे पास मेयोनीज़ भी है। मेयोनीज़ और ग्रीन चटनी दोनों का अलग अलग तरीके से यूज़ करके मैं सैंडविच बनाऊँगी, एक विथ चीज़ और एक विदाउट चीज़। तो चलिए बनाते हैं लेफ्ट ओवर रोटी की सैंडविच। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं पैन को गैस पे सीम आंच पे चढ़ा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रीन चटनी का मैं सैंडविच बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये पुदीना और हरे धनिया की चटनी ली है, उसको मैं रोटी पे पूरी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। उसके ऊपर हाफ पोर्शन में मैं टोमेटो, कुकुम्बर अनियन और पोटैटो, इन सभी चीज़ों को रख के इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चटनी में, चूँकि सॉल्ट है, मैं ऊपर से सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, चिली फ्लेक, मिक्स हर्ब। बहुत इजी और झटपट वाली रेसिपी है। स्नैक्स टाइम में आपकी बची हुई रोटियों को उसे यूं फोल्ड करने के पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ डालूँगी, मोज़रेला चीज़ जो मैंने ग्रेटेड कर रखी है, इसे डालकर इसे यूं फोल्ड कर देंगे हम। और सीम आंच पे ही हम अपने पैन में यूँ रख देंगे, सीम आंच पे ही इसको सिकाई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो सके। इसे यूँ रख दिया है मैंने। अब मैं मेयोनीज़ वाली बनाऊंगी। मेयोनीज़ में भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें हरी चटनी की जगह मैं यहाँ पे मेयोनीज़ को स्प्रेड करूंगी।
मेयोनीज स्प्रेड करके मैं यहाँ पे चिली फ्लेक, थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, मिक्स हर्ब, अब यहाँ पे हम खूब अच्छे से थोड़ा ये मोज़रेला चीज़ को फैलाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपके पास झटपट से 5 मिनट में ये बन जाने वाली, आपके पास लेफ्ट ओवर रोटियाँ बची हों और बच्चों का स्नैक्स टाइम हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी भी है और बहुत जल्दी से ये तैयार होने वाली रेसिपी है। यहाँ पे मैं पोटैटो सिर्फ पोटैटो को ही यूज़ करूँगी, इसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट आता है। इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक डाल दूंगी और ब्लैक पेपर, साथ में मैं यहाँ पे थोड़ी सी टोमेटो केचप भी डालूंगी। ये बिल्कुल पूरी तरह से बच्चों के मतलब का है, जो बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते हैं या जिनको थोड़ी सी डिफरेंट टाइप का टेस्ट चाहिए, ये बिल्कुल उनके लिए है। ये देखिए इस तरीके से फिर इसे मैं फोल्ड कर दूंगी, अच्छे से थोड़ा सा दबाकर इसे पैन में हम रख देंगे। ये बिल्कुल सीम पे ही सबको सिकाई करनी है मुझे। मैं देखती हूँ हमारा जो पहले से डला हुआ था उसे, देखिए कितना मस्त क्रिस्पी है, देखिए 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 कितना क्रिस्पी है सिक कर तैयार हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी। बिल्कुल पेशेंस के साथ सीम आँच पे हमें सेकना। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बटर का यूज़ करूँगी, पहले मैंने बटर का यूज़ नहीं किया है, मैं थोड़ी सी बटर का यूज़ करूँगी ताकि ये बिल्कुल ड्राई ड्राई ना लगे। थोड़ा सा ये ले लें, अब मैं इसे भी पलट के देखती हूँ, देखिए ये भी सिक रहा है। हमें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इन्हें पलटना है क्योंकि इसके अंदर की फीलिंग ना अच्छे से मेल्ट हो सके। इसे दूसरे साल पलट कर देखूंगी कि ये कैसा तैयार हो रहा है। वाह देखिए कितना क्रिस्प और यमी तैयार हुआ है, देखिए इसका लुक। अब इसे भी हम पलट के, वाह यमी, देखिए है ना बहुत मस्त। ये स्नैक्स टाइम के लिए हमारा लेफ्ट ओवर चपाती का बहुत अच्छा यूज़ है, हेल्दी का हेल्दी और टेस्टी का टेस्टी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, देखना बच्चे बड़े सभी का ये फेवरेट है, पसंद आएगा। आपके पास अगर और भी वेजिटेबल्स हों जो आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो वेजिटेबल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को ही, जो मेन हमारा सैंडविच इंग्रेडिएंट है उसको ही यूज़ किया है। आप चीज़ के साथ कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो आप अपने हिसाब से ना फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यूँ पकाऊंगी ताकि ये ना इस साइड से भी थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। ये देखिए देखिए अंदर से फीलिंग, देख रहे हैं फीलिंग कितना अच्छा फीलिंग आया है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ये रेडी है, अब इसे हम सर्व के लिए
निकालेंगे। देखा, मैक्सिमम 5 मिनट की ये रेसिपी है, हमारी रोटी बनी हुई है और हमारा पोटैटो अगर बॉयल हो तो ये बिल्कुल टाइम नहीं लेने वाला रेसिपी है। यहाँ पे अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। देखिए, ये हमारा लेफ्ट ओवर चपाती सैंडविच रेडी है सर्व के लिए। अब इसे मैं कट कर दूंगी बीच से। देखिए कितना क्रिस्पी है, देख रहे हैं आवाज़ कितना क्रिस्पी आ रहा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये तैयार होता है और बहुत ही यमी टेस्ट देता है। आप इसे प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए चीज़ तो बिल्कुल अंदर से मेल्ट होकर बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला ना। चीज़ी ब्लास्ट बिल्कुल। देखिए इसे मैं सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है ये भी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। आप भी बनाइए और हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लगा क्विक लेफ्ट ओवर रोटी सैंडविच। देखिए आप भी इंजॉय कीजिए इसे और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है इजी, मैं सारे इजीएस्ट रेसिपी लेके आ रही हूँ ये लॉकडाउन और गर्मी के कारण, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे प्रमोट करें प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।